हेलो स्टूडेंट्स, अपना गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेंद्र राजावत और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी क्लास 8 नवोदय बैच के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में जो एक्सरसाइज 1.2 है उसका पहले और दूसरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन हम आज देखने वाले हैं। आगे के लेक्चर्स में हम लोग बाकी के क्वेश्चंस को भी सोल्व करेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे कॉन्सेप्ट वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो जो टोटल 14 लेक्चर्स आप लोगों के लिए ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं उनको आप पहले देखिए, और जिससे आप लोगों को कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से समझ में आ जाएगा तो इन क्वेश्चंस को आप लोगों को समझने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी की 1.2 एक्सरसाइज का, वो दिए दिया हुआ है रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। मतलब ये जो कुछ नंबर्स हमारे को दिए हुए हैं, दो नंबर्स, इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने आप लोगों के लिए अलग से पूरा लेक्चर अपलोड कर रखा है, तो आप पहले उस लेक्चर को देख के पूरा अच्छे से समझ सकते हो कि नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ मैं डायरेक्ट उसको अप्लाई करके बता रहा हूँ आप लोगों को कि कैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर लाइन पे इस नंबर को और इस नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को तीन स्टेप समझाई थी इसको सोल्व करने की। पहली स्टेप तो ये है कि नंबर लाइन बना के वो सेक्शन पता करो जिस सेक्शन में ये नंबर लाई करेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ, देखो एक पहले बात तो पॉजिटिव है, तो मैं इधर नेगेटिव वाले नहीं बनाता हूँ। यहाँ पे कहीं वन है और यहाँ पे कहीं टू है, ठीक है। अब ये 7/4 कौन से सेक्शन में लाई करेगा, 0 से 1 के बीच में या 1 से 2 के बीच में लाई करेगा, ये हमें पता करना है। तो देखो, तो पहले बात तो यहाँ पे न्यूमिनेटर 7 बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। तो जब भी न्यूमिनेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है, तो वो जो जो भी नंबर होता है वो ऑलरेडी 1 से बड़ा होगा। ये चीज़ आप लोगों को मैंने पहले भी कई बार नोट के रूप में समझा रखी है, तो आप इसको इस तरीके से क्या कर सकते हो या आप अंदाजे से भी लगा सकते हो, भाई 4 1 जा 4 होगा। अगर 7 की जगह 8 होता तो 2 आता, और अगर 4 होता तो कितना आता, 1 आता। 4 1 जा 4, 8 2 जा 4 हो जाता, ठीक है। लेकिन ये 7 है जो कि 4 और 8 के बीच में है, मतलब इसका रिजल्ट 1 और यानी 1 से तो बड़ा होगा लेकिन 2 से क्या होगा, छोटा होगा। तो मतलब ये समझ में आ गया हमारे को कि ये 1 और 2 के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा। फिर स्टेप 1 ये हमारी खत्म हो गई, सेक्शन पता कर लिया हमने। स्टेप 2 में क्या करते हैं, इसका जो डिनोमिनेटर्स है, डिनोमिनेटर जो दिया हुआ है, डिनोमिनेटर के बराबर उस सेक्शन के टुकड़े कर लेते हैं हम लोग। तो इसके डिनोमिनेटर 4 है तो इसके 4 पार्ट्स कर लिए हमने। अब देखो ध्यान से समझना, इस 1 को मैं क्या बोल सकता हूँ, क्या इस 1 को मैं 4/4 बोल सकता हूँ? मैं 4/4 ही क्यों बोल रहा हूँ, इसका भी कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है। इस 8 को क्या मैं 8/4 बोल सकता हूँ, इस 2 को, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 8 में 4 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। अब इसको 8/4 ही क्यों बोला, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है उसके हिसाब से चलाना है। अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 होता तो हमें क्या करना पड़ता, 3/3 और 6/ क्या कर देते, इसको 3 लिख लेते हैं। अभी डिनोमिनेटर कितना है, 4। अब उसके बाद में देखो ये अगला क्या है, इक्वल पार्ट्स है, तो ये 4/4 है, ये क्या होगा 5/4 होगा, ये 6/4 होगा, और ये वाला पॉइंट क्या होगा 7/4 होगा। और हमें देखो क्या करना है, 7/4 ही तो रिप्रेजेंट करना है, तो ये जो 7/4 है वो हमारा क्या होगा, कहीं ना कहीं 1 और 2 के बीच में यहाँ पे लाई करेगा। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। सिमिलर इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है, तो देखो इसके नंबर वैल्यू को अगर देखें, माइनस को भूल जाते हैं, तो 5/6 में क्या है, 5 छोटा है 6 बड़ा है, यानी न्यूमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, और जब भी न्यूमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो उसका रिजल्ट 1 से छोटा निकल के आता है, ठीक है। यानी 5/6 को अगर अकेले 5/6 को देखें तो 1 से छोटा है, लेकिन ये नेगेटिव है, नेगेटिव 5/6 है, तो ये क्या होगा, -1 से क्या होगा, बड़ा होगा, उल्टा हो जाएगा, -1 से बड़ा होगा। मतलब जैसे 1 से छोटा है तो ये कहाँ होता, 0 और 1 के बीच में लाई करता, क्योंकि पॉजिटिव है, मतलब 0 से तो बड़ा होगा और 1 से छोटा आ रहा है तो 0 और 1 के बीच में। लेकिन ये -5/6 है, इसलिए क्या करेगा, ये -1 से तो क्या है, बड़ा है, लेकिन 0 से क्या है, छोटा है। मतलब ये कहाँ लाई कर रहा होगा, कहीं -1 से 0 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ कहीं 1 बना लेते हैं, यहाँ 0 बना लेते हैं, यहाँ पे 1 बना लेते हैं माइनस का, ये इन दोनों के बीच में लाई करेगा। डिनोमिनेटर कितना है, 6 है, तो इसके 6 पार्ट कर लो, 1 2 3 4 5, और ये 6 पार्ट हो गए इसके, ठीक है। अब इस 6 को, इस 0 को क्या लिख सकते हैं, 0/6, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का 6/6, फिर ये कितना बनेगा, 1/6 माइनस का, ये कितना बनेगा, माइनस का 2/6, -3/6, -4/6 और -5/6 और -6/6, यानी कि 6 में 6 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा। अब हमें क्या करना है,
जो फाइंड करना है वो कहाँ होगा, वो वाला पॉइंट यहाँ होगा। तो ये माइनस फाइव अपॉन सिक्स कहाँ लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा। आई होप ये चीज़ भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। सिमिलर क्वेश्चन है ये वाला, इसको हमें वो करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो पहले बात तो नेगेटिव है, साथ में क्या है, न्यूमिनेटर क्या है, अगर हम इसको ओनली इसको देखें टू फाइव और नाइन को, ठीक है, अगर इसको देखें तो ये सारे के सारे 11 से छोटे हैं, मतलब इसका जो रिजल्ट होगा वो अगर नेगेटिव होगा तो किसके बीच में करेगा, माइनस वन से बड़ा होगा और जीरो से छोटा होगा। मतलब ये तीनों के तीनों जो नंबर्स हैं कौन से, माइनस टू अपॉन सेवन, माइनस फाइव अपॉन सेवन और माइनस नाइन अपॉन सेवन, ये किसके बीच में लाई करेंगे, ये भाई इससे बड़ा होता, मतलब यहाँ पे न्यूमिनेटर अगर बड़ा होता डिनोमिनेटर से तो ये इससे इधर आता, और अगर ये पॉजिटिव होते तो जीरो से बड़ा होता, लेकिन अब वन से भी बड़ा होता, लेकिन अभी ये क्या होगा, जीरो और माइनस वन के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा। अब कहाँ करेगा ये कैसे पता करें, तो हम क्या करते हैं नंबर लाइन बना लेते हैं, यहाँ कहीं जीरो और यहाँ पे माइनस का वन। अब डिनोमिनेटर कितना है, 11 है, तो इसके 11 पार्ट्स कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 हो जाएगा यहाँ पे। तो जीरो को क्या लिख सकते हैं हम, जीरो अपॉन 11, और माइनस वन को क्या लिखा जा सकता है, माइनस 11 अपॉन 11, 11 बन जाए 11 और माइनस का वन है तो माइनस का वन आ जाएगा। फिर ये वाला पॉइंट क्या होगा, माइनस का वन अपॉन 11, माइनस टू अपॉन 11, माइनस थ्री अपॉन 11, माइनस फोर अपॉन 11, माइनस फाइव अपॉन 11, जगह कम है इसलिए मैं एक साइड में कुछ लिख रहा हूँ, दूसरे साइड में कुछ नंबर्स को लिख रहा हूँ, माइनस सेवन अपॉन 11, माइनस एट अपॉन 11, माइनस नाइन अपॉन 11, और माइनस टेन अपॉन 11, और माइनस 11 अपॉन 11। अब हमें किस किस को रिप्रेजेंट करना है उसको हम देख लेते हैं। माइनस टू अपॉन 11 तो कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। माइनस फाइव अपॉन 11 वो कहाँ होगा, यहाँ होगा। माइनस नाइन अपॉन 11 वो कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसे आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के क्या देखने वाले, सॉल्यूशन देखने वाले। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कॉमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।